Assalamu alaikum. This is Muhammad Wasim and I am your grammar instructor. जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लिश बोलने का बहुत ही आसान सा तरीका जो है वो मैं आपके सामने लाऊंगा जिससे आपकी तमाम मुश्किलात उड़न छू हो जाएंगी. लिटरली दैट इज द मेन थिंग. एंड वो थिंग हमारी है कि स्टार्ट स्पीकिंग नेचुरल इंग्लिश के बाद जो है हमारा जो मेन सेंस आता है वो ये आता है कि हम किस तरह इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें. राइट, दिस इज द मेन थिंग. तो पहली थिंग ये है कि हमारे पास जो है सेंटेंसेस हैं, दिस इज द लेसन 5. हमारे पास सेंटेंसेस में जो है हम दो तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम बोलते वक्त अटक क्यों जाते हैं, क्योंकि हम सारे एक्शन जुमले ला रहे होते हैं, एक्शन सेंटेंसेस लाते हैं. कोई भी हम वर्ब रखते हैं तो एक्शन रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हम अपने रिपीटेड एक्शंस की बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल के काफी सारी बात करता है, लेकिन मैं आपके सामने जो लाना चाहूंगा वो ये है कि रिपीटेड एक्शन. रिपीटेड एक्शंस क्या होते हैं कि वो एक्शन जो आपके डेली रूटीन में शामिल होते हैं या जो आप अक्सर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ, आफ्टर दैट I perform ablution to go to masjid to offer namaz, then I come back home, then I. तो ये तमाम sentences जो आप बोल रहे हैं ये तमाम daily routine को mention करते हैं कि आप school जाते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, बहुत सारे काम हैं जो आप बताना नहीं चाहते. ठीक है, तो वो problem नहीं. problem हमारी ये है कि हम सारे action sentences बोलते हैं इसलिए हम अटक जाते हैं. तो जिस तरह मैंने बताया था कि रोटी खाते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी, खाली सालन खाएंगे तो भी प्रॉब्लम, जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो उसके बाद जो है आप तो यानी बहुत ही लुत्फ अंदोज होंगे कोई भी चीज़ आप खाते हैं या पीते हैं. तो इसी तरह जब आप इंग्लिश में स्टेट सेंटेंसेस और एक्शन सेंटेंसेस को मिलाएंगे. स्टेट सेंटेंसेस बोलते हैं कि जिनमें हम छह चीजों की बात करते हैं, सब्जेक्ट की कोई भी शख्स है, कोई भी शख्स जो है उसकी जो है आप पोजेशन की बात करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे, इलनेस की, रिलेशनशिप की, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोफेशन. राइट, तो ये 6 थिंग्स होती हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं. तो पहली चीज क्या है, स्टेट वर्ड में हमारे पास सिंपल सेंस में जो प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं इज एम आर होते हैं और हैज हैव होते हैं. अच्छा, इज एम आर जो है वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब भी है और हमारे स्टेट वर्ड भी है. तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्टेट वर्ड है, अगर इज एम आर के बाद या हैज हैव के बाद अगर आपका जो है आप रखते हैं नाउन या एडजेक्टिव तो ये आपका फंक्शन करेंगे स्टेट वर्ड का. अगर इनके बाद आप वर्ब रखते हैं तो आप क्या काम करेंगे, आप काम करेंगे किसका, यानी ये जो काम इनका फंक्शन जो है वो क्या होगा कि वो फंक्शन हो जाएगा आपका. अगर एक्शन वर्ड इनके बाद लग रहे हैं तो ये ऑक्सिलरी कहलाएंगे. अगर इनके बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है तो ये क्या कहलाएंगे, स्टेट वर्ड्स. अंडरस्टैंड, तो आपको ये तमीज आनी चाहिए. और एक्शन जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब आता है, जैसे आई गो मैं जाता हूँ, आई कम मैं आता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई ड्राइव मैं चलाता हूँ, आई लर्न माई लेसन मैं अपना लेसन याद करता हूँ. दिस इज द थिंग. सो जस्ट कीप द थिंग इन योर माइंड दैट रियली इफ यू वॉन्ट टू बी गुड एट, इफ यू वॉन्ट टू बी गुड एट स्पीक इन इंग्लिश there is a simple formula which I want to tell you, which I want you to keep in your mind if you really wanna get better on your flaws. So this is up to you because you can do it. And first of all you decide or commit yourself that really I am that person, I am the person that I can explore a new world. Then inshallah you would do that. So don't worry about it. This is a straight sentence which I told you that I am a teacher. This is that I am talking about my profession in this sentence. I am a teacher, that's why I teach. अब आप जिस तरह एक घर बनता है ब्लॉक लगते हैं, ब्लॉक के बीच में सीमेंट आता है कि वो उसको मजबूती देता है और जोड़ देता है, फिर आप ऊपर बनाते रहते हैं तो जैसा हाउस आप बनाना चाहते हैं बन जाता है. इसी तरह हमारे जुमलों के बीच में जो है वो क्या होता है कि हमारा एक मेन चीज आती है कि कनेक्टर हम यूज करते हैं. वो कनेक्टर जो है उसको कंजंक्शन भी कहते हैं, कनेक्टर वर्ड्स भी कहते हैं. ठीक है,
तो कनेक्टेड वर्ड्स का काम क्या होता है कि जुमले को जोड़ के एक सेंस अदा करना, एक सेंस देना। अब इसमें जो है आई एम अ टीचर, दैट्स व्हाई आई टीच, मैं टीचर हूं इसलिए मैं पढ़ाता हूं। He is a player, अब एक्शन नहीं है इसमें, इसके बारे में है कि वो क्या है, वो प्लेयर है। He is a player, that's why he plays. वो प्लेयर है इसलिए वो खेलता है। And the third, they are doctors, वो लोग डॉक्टर्स हैं, उनके प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। That's why they want to fulfill their duties, इसलिए वो अपनी ड्यूटीज को अदा करना चाहते हैं, यानी अपनी जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। आई हैव अ कार, जब कभी भी याद रखें आप पोजीशन की बात करेंगे, मिल्कियत की बात करेंगे कि मेरे अब्बू हैं। जी जी बिल्कुल, मेरे अब्बू हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो आपकी बॉडी के पार्ट्स तो आपके अपने हैं, वो किराए पे लाए चाइना से लिए कि कल को वापस करने होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। जैसे कहते हैं मेरे दो हाथ हैं, मेरी एक नोज है, मेरी दो आंखें हैं, राइट। तो इसी तरह ये आपकी पजेशन को शो करता है। तो आप क्या करेंगे कि आई हैव अ फादर, नॉट आई एम अ फादर। अगर आप कहें आप अब्बू नहीं है तो आप कह रहे हैं आई एम अ फादर, फादर नाराज होंगे, ठीक है। आई हैव अ फादर मीन्स मेरे अब्बू हैं। अब यहाँ पर उर्दू नहीं निकालते, सबसे बड़ी बीमारी हमारी क्या होती है कि अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो उर्दू लाते हैं दिमाग में, और उर्दू होती है तो उसकी इंग्लिश बनाते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग थिंग, डोंट ट्राई टू डू इट, एंड दैट थिंग वुड स्पॉइल योर ऑल द थॉट्स, ईच एंड एवरीथिंग, एंड यू वुड स्टार्ट ड्रैगिंग योर सेंसेस, एंड द डे वुड कम यू वुड किस द डस्ट सून, और जल्दी आप खाक में मिल जाएंगे। सो दिस इज द मेन थिंग, सो ट्राई टू कीप द थिंग इन योर माइंड that whenever you talk about the possession sense, whenever you talk about the profession, so you would use SMR, and whenever you talk about the possession, possession means milkiyat, so you will use has or have. With the third person singular, keep the thing in your mind that we use is with he, she, it, or any singular noun. He is my brother, she is my sister, they are happy, right? It is very hard for me, that's why I don't wanna do it, right? So are we use we are, you are, they are, and plural noun are, boys are, girls are, right? With the plural, and am with only I. I am a teacher, I am a father, right? So have we used I have, we have, you have, they have, and plural noun have, boys have. Boys have money, that's why they are happy. Boys have a car and they are in the car, and they have a desire to drive it. अब ये तमाम मैंने थोड़ा सा बताया कि जब आप sentences को connecting करते हैं तो सबसे main चीज ये है कि आप English में सोचें, think in English, speak in English, think in Urdu, never speak in English. Sorry, बुरा नहीं मानिएगा, but this is the rule. And she has a mobile. उसके पास मोबाइल है, that's why she uses it. उसके पास मोबाइल है इसलिए वो मोबाइल इस्तेमाल करती है। Next, they are students. वो लोग स्टूडेंट्स हैं, that's why they study. वो लोग स्टूडेंट्स हैं इसलिए वो स्टडी करते हैं। Because this is their responsibility to pass in their exams. अब आप इसको जैसे आप दो सेंटेंस बना लेंगे, उसके बाद आप कनेक्टर की मदद से उसको आगे लेके जाएं, फिर आगे करें, इंशाल्लाह यू वुड डू दैट। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द सेंटेंसेस इन लेसन नंबर 5, नॉट द 4, लेसन नंबर 4, दिस इज आवर लेसन नंबर 4। सो सेंटेंसेस, सो टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, just keep the thing in your mind that state sentences, in state sentences you would use the state verb is am are, and in possession sense has have,
And with action sentences, you would use first verb and as or yes. That add as or yes in first verb. When, कब, जब आपका subject हो, he, she, it or singular noun कोई होगा, तो आपने first verb में as yes लगाना, because I am talking about the simple present tense. Right? जैसे for example, I teach, we teach, you teach, they teach, he teaches. Yes लगेगा. She teaches. Yes लगेगा. अब ये कि es कहाँ लगेगा? अगर आपका कोई verb end होता है sh, ch, double s, o, x, z, इनमें से किसी पर end होता है word alphabets पे, तो आप उस verb में क्या add करेंगे? बिल्कुल es add करेंगे. जैसे brush, he brushes, right? She catch, wrong, she catches. ये चीजें आप बोलने में जो है प्रेजेंट सिंपल में एसीएस भूल जाते हैं, जल्दी करते हैं, ठीक है. और यहाँ पर जो है सबके साथ आप अगर हैव लगाएंगे, दैट वुड नॉट गो टू योर इमेज. अब अगली वीडियो में लेसन नंबर 5 में मैं आपसे कुछ और चीजें शेयर करूंगा, और उसमें जो है मेन चीज मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा, उन सेंटेंसेस के साथ आप थोड़ा सा अपना सेंस भी इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ लगाएंगे, कुछ ना कुछ ऐड करेंगे दूसरा सेंस, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, राइट? और मैं आपसे यही कहता हूँ कि ये मैं आपकी इनहेंसिंग के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, और आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कोशिश करें कि वीडियो पूरी देखें. ये नहीं कि हाफ देख रहे हैं तो आपको हाफ गेट करेंगे, और फुल देखेंगे देन यू वुड गेट द फुल सिनेरियो. तमाम थिंग जो भी एस्पेक्ट होगा वो आप इसको करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लोगों में शेयर करें. इंशाल्लाह आई वुड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.